Hello students and welcome back to my channel. In today's video we are going to continue with the chapter acids, bases and salts of class 10 science. So in previous video we have discussed about the bases, properties of bases, and in today we are going to discuss about the test for hydrogen gas. हमने काफ़ी सारी ऐसी reactions देखी हैं जिसमें हमने ये देखा कि हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही थी, H2 जो है हमारा साथ में आ रहा था, एसिड के साथ भी था, बेस के साथ भी था, तो कैसे कंफर्म करें कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। तो इसको डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर आपकी वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। तो चलिए अब इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस जो होगी हमारी, जैसे ही हम कोई रिएक्शन करवाते हैं और उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल निकलने लगे, हमें क्या करना चाहिए, एक बर्निंग कैंडल को, एक जलती हुई मोमबत्ती को हम क्या कर सकते हैं, उन बबल्स के पास लेके आएंगे। तो वो जो बबल्स होंगे वो जब बर्स्ट होंगे तो पॉप साउंड के साथ होंगे, यानी कि पॉप 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 जो है इस तरह से वो जो है आपकी कह सकते हैं बर्स्ट होंगे। तो अगर इस तरह से हमें साउंड आ रही है और वो एक साउंड प्रोड्यूस करके और बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि फूट जाते हैं बबल्स, तो वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। ठीक है, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करेंगे। सिमिलरली हमने देखा काफ़ी सारी रिएक्शंस ऐसी थी जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही थी। सो व्हाट इज़ द वे टू टेस्ट दैट जो गैस निकल रही है दैट इट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ कैन वी कन्फर्म दैट द गैस विच इज़ रिलीज्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो गैस निकल रही हो उसको हम लाइम वाटर से पास करा दें। ठीक है, कि हम अभी जानते नहीं हैं वो कौन सी गैस है, हम उसके लिए कंफर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करा दी। तो जैसे ही ऐसे कराया तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इट विल टर्न इनटू कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो है एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास्ड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेस में पास करा देते हैं, ऐसे में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि ये जो हमारा बना है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर दोबारा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक तरह का कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, ठीक है, अगर हम जो है लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएँ कार्बन डाइऑक्साइड की, उस गैस को पास कर दें और कैल्शियम कार्बोनेट मेनली तो हमारा बन जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस निकल रही है, जो गैस रिलीज हो रही है, वो हमारी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आई होप आज की वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन गैस को कन्फर्म करने के लिए कैसे टेस्ट कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम कन्फर्म करने के लिए कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो गुड बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।